हाय एवरीवन, एफएफडी किचन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं थोड़ी सी अलग एक डिज़र्ट की रेसिपी लेके आई हूँ। मिठाई है, ब्राउनी बनाने वाली हूँ, लेकिन ये बेक नहीं करने वाली हूँ। नो बेक ब्राउनी। तो इसके लिए हमें चाहिए चॉप किए हुए डेट्स। ये मेरे पास सॉफ्ट डेट्स थे, इसलिए इसका पेस्ट ही बना है। और वॉलनट्स, वॉलनट्स की जगह आप पीकांस भी ले सकते हैं। ये है आमंड बटर, कोको पाउडर, ये अनस्वीटन कोको पाउडर है, बिल्कुल ही मीठा नहीं है, वैनिला एसेंस, और ये डेकोरेशन के लिए वॉलनट्स की पाउडर है, क्रश्ड वॉलनट्स। बहुत ही आसान तरीका है, बस ये जो डेट्स हैं वो लेने हैं, फूड प्रोसेसर में हमें डालने हैं। और अभी मैं वॉलनट्स डालने वाली हूँ। अब मैं ये क्रश होने तक और ये मिक्स होने तक मिक्सर फूड प्रोसेसर चलाने वाली हूँ। अब इसमें मैं ये आमंड बटर डालने वाली हूँ। आमंड बटर मिक्स होने तक, अच्छे से मिक्स होना चाहिए। ये अच्छे से मिक्स हो गया है। अब हम इसमें थोड़ा सा वैनिला, बस आधा चम्मच वैनिला डाल रही हूँ। और कोको पाउडर डाल रही हूँ। थ्री फोर्थ कोको पाउडर मैंने अभी डाला है और बाकी का मैं बाद में डालूंगी। बीच बीच में मैं ये मिक्स कर रही हूँ और अभी बाकी की जो है कोको पाउडर वो मैं अभी डाल रही हूँ। फिर से मिक्स कर रही हूँ, मिक्सर चला, फूड प्रोसेसर चला रही हूँ। देखिए ये कितने अच्छे से मिक्स हो गया है। अभी हम अच्छे से स्प्रेड करेंगे और उसको ब्राउनी का शेप दे देंगे। मेरे पास ये लोफ पैन है, इसमें मैं अभी ये डालने वाली हूँ। ये अभी मैं अच्छे से स्प्रेड करने वाली हूँ। ये अच्छे से स्प्रेड हो गया है। अभी मैं इसके ऊपर पाउडर्ड वॉलनट जो है वो डाल रही हूँ। ये वॉलनट की पाउडर कितने अच्छे से स्प्रेड हो गई है। अभी हम ये इसके पीसेस बनाते हैं। छोटे छोटे पीसेस बना रही हूँ क्योंकि ये पूरा नट से भरा हुआ है, तो जैसे हम बाहर की ब्राउनी खाते हैं वैसा नहीं खाना है हमें। ये हो गई हमारी ब्राउनी तैयार। ये देखिए, ये हो गई हमारी नो बेक ब्राउनी तैयार। एक चीज़ ध्यान में रखनी है, डेट से शुगर बढ़ सकती है, तो एवरीथिंग इन मॉडरेशन हमेशा ध्यान में रखना है। साइज़ आपने देखा है ना, बस एक ही ब्राउनी एक टाइम पे खानी है, क्योंकि काफ़ी सारे नट्स है उसमें और काफ़ी सारा खजूर भी है। ओके, अगले हफ्ते मिलते हैं और एक अच्छी रेसिपी लेके। तब तक के लिए बाय बाय।